व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक बैक दी वेलकम टू माय न्यू पेंटिंग वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं एक वाटर कलर पेंटिंग जो कि मोनोक्रोम पेंटिंग टेक्निक से करने वाला हूँ। ये मोनोक्रोम सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। अगर आपने सेकेंड और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस वाले वीडियो को देखने के बाद वो दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 3 ब्लू का सेट्स लिया है। मैंने इस वाले पेंटिंग में ब्लू कलर चूज़ किया है। मोनोक्रोम पेंटिंग टेक्निक में हम सिर्फ एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसमें ब्लू लिया है, लेकिन ब्लू का तीनों सेट्स लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले मोनोक्रोम पेंटिंग का रूल्स बता देता हूँ। इस टेक्निक में हम सिर्फ एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं जो हमारे मन चाहे। जैसे कि मैं इस वाले पेंटिंग में ब्लू कलर चूज़ किया हूँ। मोनोक्रोम पेंटिंग का सीरीज़ फास्ट जो था उसमें मैंने मोनोक्रोम पेंटिंग टेक्निक होता क्या है वो अच्छे से समझाया था, इसलिए वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अगर आप इसी तरह का पेंटिंग रिलेटेड कंटेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन का ऑल ऑप्शन भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे और या फिर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में ज़रा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं इस वाले वीडियो के बारे में। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक या फिर वाइट या फिर कोई भी कलर सिवाय ब्लू का यूज़ नहीं किया है। आप भी इसी तरीके से करना होगा अगर आप इस मोनोक्रोम पेंटिंग को खुद करना चाहते हैं तो। तो आपको जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम वाटर कलर में ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थोड़ा लाइट दिखने लगता है। तो इसी तरीके से आपको पूरा पेंटिंग करना है। किस मीडियम में आपको ज़्यादा पानी यूज़ करना है और किस मीडियम में मीडियम सा पानी यूज़ करना है, और कभी कभी पूरा डार्क जो डायरेक्ट कलर है उसे पेपर के ऊपर आपको लगाना है। जिस जिस जगह पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर डार्क होना चाहिए उसी जगह पर पूरा डायरेक्ट कलर को यूज़ कीजिए, और जिस जगह पर आप वाइट यूज़ करना चाहते थे और इस टेक्निक में तो आप वाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसी जगह पर पूरा लाइट ट्रांसपेरेंट कलर को यूज़ कीजिए। और कुछ कुछ जगह पर भी जिस जगह पर आप वाइट यूज़ करना चाहते हैं तो उसी पेपर का वाइट को यूज़ कीजिए। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर जो माउंटेन था वहाँ पर वाइट तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो पेपर का वाइट ही छोड़ रहा हूँ, जिससे वो पूरा माउंटेन स्नो से ढका हुआ लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, देखिए जिस जगह पर मैं स्नो करना चाह रहा था, जो पेपर मैंने कुछ भी कलर यूज़ कर ना करके छोड़ रहा हूँ उस जगह पर मैंने पानी तक भी नहीं लगा था। अगर आप पानी उस जगह पर जिस जगह पर वाइट छोड़ना चाहते हैं वहाँ पर लगाएंगे भी तो कलर आप ना चाहते हुए भी वहाँ तक फैल जाएगा, इसीलिए वहाँ पर पूरा सूखा छोड़ दीजिए और पानी बिल्कुल भी उस जगह पर मत लगाइएगा। Thank you.
मैं जब भी रिटेलिंग वर्ड्स के बारे में सोचता हूँ मुझे दो ही कलर का याद आता है, वो है ब्लैक और वाइट, जो कि हम मोनोक्रोम पेंटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेंटिंग ख़त्म होने के बाद मैं वाइट पेन थोड़ा यूज़ करूँगा। वैसे तो यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं तो है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा पूरा पेंटिंग अभी फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम उसका माउंटिंग टेप हटा के उसे अनमाउंट कर रहे हैं। तो हमारा मोनोक्रोम पेंटिंग तो ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाइट पेन का यूज़ किया था, थोड़ा सा डिटेलिंग वर्ड्स ऐड करने के लिए। अगर आपको इस वाले वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरह का पेंटिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन का ऑल ऑप्शन भी क्लिक कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।